तो क्या सच में आईपीएल अब भारत में नहीं खेला जाएगा? रुको जरा। देखो बात ऐसा है ना, सऊदी अरबिया कुछ समय से स्पोर्ट्स के ऊपर अंधा पैसा खर्च करने में लगा हुआ है। कई ग्लोबल स्पोर्ट्स में तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, सॉकर, टेनिस और इंग्लिश प्रीमियर लीग। WWE के साथ तो 10 साल का एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है। यहाँ तक कि सऊदी अरबिया ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को $200 मिलियन में खरीद रखा है और अब IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग को भी खरीदना चाहते हैं। BCCI और IPL के ओनर से इनकी लगातार बात चल रही है और अगर ये डील हुआ तो इंडियन प्लेयर्स भी सऊदी अरबिया में IPL खेलते हुए दिखेंगे। बिकॉज दुनिया का सबसे रिचेस्ट T20 वर्ल्ड क्रिकेट लीग सऊदी अरबिया होस्ट करने जा रहा है इन स्टेट ऑफ गल्फ। सऊदी गवर्नमेंट का ना ये एक सोचा समझा इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी है, बिकॉज वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये विजन है कि 2030 तक $7 ट्रिलियन का डाइवर्स इकोनॉमी बनाया जाए, जिसके लिए इनके पास दो रास्ते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन और स्पोर्ट्स। यानी सऊदी गवर्नमेंट स्पोर्ट के जरिए एक तीर से दो निशाना लगा रही है, स्पोर्ट्स यानी टूरिस्ट, टूरिस्ट यानी ढेर सारा पैसा, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ऑयल रिजर्व हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाला।